फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं तला अंजुम के बारे में। तो तला अंजुम की रिसेंट स्टोरी पे कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि तला अंजुम निजी के नापाक डिस्ट्रैक्ट का रिप्लाई करने वाले हैं। तो तला अंजुम की स्टोरी में लिखा है, कांट बी टू हम्बल, दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू एंड यू। इसके अलावा मारिया उनारा ने अपनी रिसेंट स्टोरी में तला अंजुम का डिस्ट्रैक्ट कौन तला प्ले किया है, जिसको तला अंजुम ने भी शेयर किया है। एंड तला अंजुम का डिस्ट्रैक्ट कौन तला स्पॉटिफाई के वीकली टॉप सॉन्ग्स के चार्ट्स में नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है। एंड तला अंजुम का कम थ्रू ट्रैक 9 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा उमर और हसन रहीम का विशेष ट्रैक 3rd नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं नेजी के बारे में। तो नेजी बिग बॉस में फ्री स्टाइल कर रहे थे, तो फ्री स्टाइल करते हुए नेजी का कहना है, करूँ हरकतें फिर सर फटे, जो कि नेजी के नापाक डिस्ट्रैक्ट की लाइन है। इसके अलावा लक्ष्य चौधरी ने अपनी रिसेंट वीडियो में नेजी को रोस्ट किया है। एंड लक्ष्य चौधरी ने तला अंजुम और नेजी की बीफ के बारे में भी बात की है। नेजी द बा भाई भी आए हैं इस बार बिग बॉस में, और ये है असली अंडरग्राउंड रैपर, क्योंकि एक रैप डालने के बाद 4-5 साल ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं। बिना सोचे समझे सिर्फ रैप करते जाते हो। एग्जाम्पल जैसे मैं अभी कर रहा हूँ फ्री स्टाइल रैप, मेरे को आपका नाम नहीं पता है, मुझे काम नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे आज मुझे लगा था कि इतने साल बाद नेजी भाई को देख रहा हूँ तो अब थोड़े स्टेबल हो गए होंगे, पर भाई ने स्टेज पर चढ़ते झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया। अनिल कपूर के सामने कह रहे हैं कि मुझे फेम वेम से कोई मतलब नहीं है। सही बात है भाई, जब मिलती नहीं तो ऐसे ही एक्सक्यूज देना पड़ता है। अपने बीच बीच में गायब रहने का रीजन गांजा ना बता के भाई ने बोला कि मेरे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है और मेरी फैमिली ये सब अलाउ नहीं करती, तो इसलिए मैं गायब हो जाता हूँ। वाह भाई, बहुत अच्छी फैमिली है जो रैप करना अलाउ नहीं करती पर बिग बॉस में जाना अलाउ कर देती है। और नेजी भाई जब फेम चाहिए ही नहीं तो बिग बॉस में आए क्यों? हर जगह मुझे एक फैंस मिलते भाई, एकदम जेन्युइन लोग, धोखाधड़ी में नहीं, छपरी नहीं, सड़ेली पमोई पब्लिक नहीं, एकदम डिसेंट लोग। नेजी भाई आप सच में पैरेलल यूनिवर्स में ही रह रहे हो। दुनिया से अगर हम छपरी हटा देना तो आपके इंडिया में उतने ही फैंस बचेंगे जितने केन विलियमसन के हेटर्स हैं। भाई बिग बॉस में सारे इंटरव्यू में हर पॉडकास्ट में बार बार बोल के आए हैं कि मुझे फेम से, पैसे से, हाइप से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तभी हर सुबह उठते ही तला अंजुम पे डिस्ट्रैक्ट आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं रैप डीमन के बारे में। तो रैप डीमन ने अपनी स्टोरी में करण ओजला का ऑन टॉप 2 ट्रैक प्ले किया है। तो अब बात कर लेते हैं एसन के बारे में। तो एसन की रिसेंटली जो एल्बम ड्रॉप हुई है डस्का, तो इस एल्बम के बारे में यासिर खान ने बात की है। तो यासिर खान का एसन का नेम मेंशन करते हुए कहना है, एसन माय गाय हैज पुट हिज सोल एंड स्वीट इनटू दिस एल्बम, गो एंड चेक इट आउट। तो अब बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह की अपकमिंग एल्बम ग्लोरी अगस्त में रिलीज होने वाली है, जिसके बारे में बात करते हुए हनी सिंह का कहना है, माय कार्ड्स माय टर्न हैशटैग मिलियनेयर, जो कि हनी सिंह की ग्लोरी एल्बम का फर्स्ट ट्रैक है, हैशटैग ग्लोरी कमिंग सून इन अगस्त। That's it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।